प्राचीन शिव मंदिर शिव शक्ति कॉलोनी पिंजौर में जैन शोरी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टरों की टीम द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में अस्पताल के डॉक्टर निखिल शोरी, डॉक्टर श्रुति शोरी व डॉक्टर शाइनी शोरी द्वारा लोगों व बच्चों की निःशुल्क जाँच की गयी। सभी लोगों के कई प्रकार के बीपी, शुगर आदि टेस्ट किए गए। वहीं डॉक्टर निखिल शोरी ने बताया कि उनके अस्पताल के डॉक्टरों की टीम द्वारा हर माह में एक या दो ऐसे निशुल्क कैंप अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे ताकि लोगों तक हमारी सुविधाएं पहुंच सके और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। कैंप में डेंटिस्ट डॉक्टर श्रुति शोरी ने लोगों के दांतों की जाँच की और उन्हें दांतों को स्वस्थ रखने के गुर बताए। वहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाइनी शोरी ने बच्चों की बीमारियों से संबंधित अहम जानकारियां लोगों के साथ साझा की और कई लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। साहब, इस कैंप के बारे में बताएं पहले तो आज। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर निखिल शोरी हूँ, जैन शोरी हॉस्पिटल पिंजौर से। ये हमने कैंप लगाया अभी शिव शक्ति कॉलोनी जो हमारे हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक है। हमने एक ऐसा शुरू किया है, एक हमारा मोटिव है कि हम जगह जगह जाके फ्री कैंप ज़रूर लगाएंगे अलग अलग सोसाइटीज़ में। जो शुरुआत है हमने ऐसे किया है, पूरे एक महीने में या तो एक या दो कैंप हमने ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करने हैं, जिसमें जो जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनकी सुविधा हम लोगों के पास जाके भी दें। लोगों को तो हमारे पास आना पड़ता है, पर हम भी जाएं और उनको फ्री सेवाएं जहां तक पॉसिबल हो वो दें। तो ये इसीलिए हम यहां पे आए हैं। मैं खुद मेडिसिन का डॉक्टर हूं, पूरे सारे मेरे साथ डॉक्टर शाइनी हैं वो बच्चों के हैं, डॉक्टर श्रुति हैं वो डेंटल हैं। इस बार हम सर्जरी के नहीं लेके आ पाए, पर अगली बार हम सर्जरी के डॉक्टर साहब भी साथ में अपने। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ, जो हमसे ये वायरल कर रहा है H3N2, तो ये क्या है? ये जो खांसी और बड़ा हो रहा है वायरल, सब इससे पहले ही वायरल इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा जो लोगों को पता लगा है वो तो कोविड टाइम में पता लगा है। तो कोविड का जो वायरस है वो तो बहुत ही जल्दी से फैलने वाला और बहुत तेज़ी से बॉडी में तकलीफ़ करने वाला वायरस था। ये वाला वायरस भी बहुत जल्दी से फैलता है, उतनी तकलीफ़ नहीं करता बॉडी में, पर बहुत देर, बहुत समय तक तकलीफ़ रखता है। जैसे कोविड तो हो गया, वो तो जल्दी से तकलीफ़ कर देता है, या तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है या ठीक हो जाती है। इसमें काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो इसमें क्या एडमिट भी हो सकता है, जैसे कोई भी बहुत होते हैं? अभी भी एडमिट है हमारे हॉस्पिटल में, कम से कम 4-5 पेशेंट एडमिट हैं। तो इसमें अपना खास डाइट का, इम्यूनिटी का, और ये जो इन्फ्लुएंजा है मोस्टली इसी मौसम में फैलता है। तो इसमें क्या मास्क भी ज़रूरी है? जो से मास्क तो पहनना ही पहनना चाहिए, वो अब फिर से कोविड जैसी कम हुआ है लोगों ने फिर छोड़ दिए हैं। पर ओवर क्राउडेड प्लेसेस में, और जैसे मान लो कोई एक इन्फेक्टेड है घर में, तो बाकी थोड़ा सा ध्यान रखें, घर में वेंटिलेशन ज़्यादा रखें, डाइट का ध्यान रखें, तो इन सब चीज़ों से उसको रोका जा सकता है। एक बार हो जाए और तकलीफ़ बढ़ रही हो, सिंपल पैरासिटामोल से उससे नहीं फ़र्क पड़ रहा हो, तो जल्दी से दिखा देना चाहिए ताकि और एडमिशन की नौबत ना आए, जल्दी उसको कम कर दें कभी के कभी। अपना ये कैंप के बारे में बताएं आज। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति शोरी, जैन शोरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। हमने एक फ्री कैंप, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है शिव शक्ति कॉलोनी में। हमने ये कैंप 10 से लेकर 2 बजे तक लगाया है। हम चाहते हैं कि लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे बच्चों का फ्री चेकअप हो रहा है, दांतों का फ्री चेकअप हो रहा है, और बीपी, शुगर या जो भी आजकल जो भी बीमारियां हैं उनका भी फ्री चेकअप हो, तो जितना हो सके लोग इसका फ़ायदा उठाएं। बच्चे आजकल सुबह उठते हैं तो खाना खा लेते हैं, दूध पीते हैं, ब्रश नहीं करते, उसके क्या उनको, और उनके दांत बड़ी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, क्या कहना? एक तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है आजकल, सबसे ज़्यादा जो बच्चों के दांत खराब होते हैं, सारे दांत इकट्ठे खराब हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, उसको कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज। जब बच्चा बॉटल लगा के रात को सो जाता है और दूध पीता रहता है और बॉटल उसके मुँह में लगी रहती है, सबसे ज़्यादा दांत हमारे तभी खराब होते हैं। बच्चों को अगर आप बॉटल दे के सुला रहे हो रात को, तो उसके बाद ज़रूर चाहे कॉटन से, कॉटन के कपड़े से या उंगली से उनके दांत साफ कर दें। वैसे कोशिश करें कि बच्चों को रात को बॉटल ना पिलाकर सोएं, और अगर बच्चा बड़ा है तो दूध पीने के बाद उसको कुल्ला ज़रूर करवाएं। दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक तो सुबह ब्रश करना है और एक रात को सोने से पहले। जब आप रात को ब्रश कर लेते हैं उसके बाद कुछ ना खाएं,
तो और जब भी आपको लगता है कि अभी हमारे बच्चे के दांत अभी से खराब होना शुरू हो गया है या ब्लैक डिस्कलरेशन आ गई है, ब्राउन डिस्कलरेशन आ गई है, तभी की तभी डेंटिस्ट को जरूर चेक कराएं और 6 मंथ्स के बाद अपने बच्चों को जरूर डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत स्टार्टिंग हो रही है तभी की तभी उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नहीं तो बाद में अगर बच्चे आते हैं तो उनके दांत पूरे खराब होते हैं, तब तक कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता ही नहीं। सर आज हमने शिव शक्ति मंदिर में जो है कैंप लगाया, वहाँ बच्चों के डॉक्टर डॉक्टर शाइनी शोरी, डॉक्टर निखिल शोरी MD एंड डॉक्टर श्रुति शोरी डेंटिस्ट सब फ्री में बच्चों का चेकअप करेंगे, फ्री BP चेकअप होगा, फ्री शुगर चेकअप होगा। तो यही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए JN शोरी हॉस्पिटल की तरफ से कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सब फैसिलिटीज़ आपको एक ही हॉस्पिटल के अंदर मिल रही हैं। तो हमारा है कि हम चाहते हैं कि जो एक तो नीडफुल है उनकी हेल्प करी जाए फ्री अवेयर फ्री कैंप करके, और हमारा ये प्लान रह रहा है कि हम एवरी मंथ एक या दो बार फ्री कैंप्स लगाएं। तो अभी तक कितना चेकअप हो चुका है? अभी तक हमने स्टार्ट ही करा है, अराउंड 15-20 हो चुके हैं चेकअप। होप करते हैं कि और लोगों को पता लगे, इसलिए हमने इस बार टारगेट करा कि कॉलोनी कॉलोनीज में जाकर ही चेकअप करें, ताकि बहुत ओल्ड एज अभी जो आए वो ये कह रहे थे कि हमसे चला भी नहीं जाता, रेगुलर चेकअप भी नहीं कराते। तो एक चलो उनके लिए ये है कि भगवान ना करे उन्हें कोई भी दिक्कत हो, बट 60-70 ईयर्स की एज में अगर वो चेकअप करवा रहे हैं रूटीन, तो बहुत अच्छी बात है कि एक बेसिक फुल बॉडी चेकअप या ये तो होना ही चाहिए, ताकि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए।